आपको इसको कॉपी में नहीं करना है क्योंकि ये हम कर चुके हैं पहले। जिनको प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में वो इसको देखिए, ओनली डोंट राइट इन योर कॉपी। यस, योर क्वेश्चन इज डिवाइड द सम ऑफ 65 अपॉन 12 एंड 8 अपॉन 3 बाय देयर डिफरेंस। यही क्वेश्चन है आपका, डिवाइड द सम ऑफ दिस बाय देयर डिफरेंस। आपको इसके सम को इसके डिफरेंस से डिवाइड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों का सम फाइंड आउट करेंगे। सम ऑफ 65 अपॉन 12 एंड 8 अपॉन 3, इसका सम फाइंड आउट करेंगे। सम फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इनका एलसीएम निकालना होगा। इसका एलसीएम कितना आएगा, 12। ठीक है, अब आपने इसका एलसीएम लिया 12। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे ट्वेल्व डिवाइडेड बाय 12, 1 और 1 मल्टीप्लाइड बाय 65, तो ये आ गया आपका 65 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 3, 4 और 4 मल्टीप्लाइड बाय 8, ये हो गया आपका 32। दोनों को ऐड कर दीजिए, ये आ गया आपका कितना, 97 अपॉन 12। ठीक है, 97 अपॉन 12 क्या है, इसका सम। ये हमने इसका सम फाइंड आउट कर लिया, अब ऐसे ही क्या फाइंड करेंगे, इसका डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ 65 अपॉन 12 एंड 8 अपॉन 3, डिफरेंस के लिए क्या करोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 65 अपॉन 12 माइनस 8 अपॉन 3, सेम प्रोसीजर है। व्हाट इज द एलसीएम, 12 भी आएगा, 12 डिवाइडेड बाय 12 1 और मल्टीप्लाइड बाय 65, 65 माइनस 32, 65 माइनस 32, दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए कितना आ गया, 33 अपॉन 12। ये क्या आ गया, इसका डिफरेंस आ गया। हमने इसका सम भी फाइंड आउट कर लिया और इसका डिफरेंस भी फाइंड आउट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, अब क्या करना था हमको, हमको इसके सम को डिवाइड करना है इसके डिफरेंस से। ठीक है, तो सम क्या था आपका, 97 अपॉन 12, तो 97 अपॉन 12 को आपको डिवाइड करना है। नाउ अब क्या करना है, 97 अपॉन 12 डिवाइडेड बाय 33 अपॉन 12, तो ये हो गया आपका 97 अपॉन 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 अपॉन 33। ठीक है, 12 टू 12 कैंसिल एंड योर आंसर इज 97 अपॉन 33। आ गया समझ में, बताइए, टेल मी फास्ट, जल्दी से बताइए। जिसको भी प्रॉब्लम थी समझ में आ गया, ओके, नोट तो नहीं करना,
हम कर चुके थे ये क्वेश्चन. देन कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. टेक क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव डन. नोट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. और थोड़ा जल्दी नोट करिए. क्वेश्चन नंबर 5 इज बाय व्हाट नंबर शुड minus 44 upon 9 be divided to get minus 11 upon 3. It is the question. ये आपका question है. By what number should minus 44 upon 9 be divided to get minus 11 upon 3? Minus 44 upon 9 को किससे divide करें कि हमारा answer minus 11 upon 3. Let the required number क्या assume करेंगे? Let the required number be x. अब देखिए इक्वेशन क्या बनी आपकी, माइनस 44 अपॉन 9 डिवाइडेड बाय एक्स. अगर हम इसको एक्स से डिवाइड करते हैं देन वी विल गेट माइनस 11 अपॉन 3. क्लियर? अब यहां पे देखो एक्स जो है एक्स से हम डिवाइड कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, इसको इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लो. इस क्वेश्चन को जिस तरीके से मैं बता रही हूँ ऐसे ही करना, अदरवाइज क्लियर. तो ये हो गया आपका माइनस 44 अपॉन 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन एक्स. एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस 11 अपॉन 3. अब आपको 1 अपॉन एक्स की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी है. तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसका सेपरेशन करोगे तो यहां पे हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस 11 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय, अब यहां पे मल्टीप्लाई का साइन था वहां जाएगा आरएचएस में तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चेंज हो जाएगा. ये हो गया आपका माइनस 44 अपॉन 9. क्लियर? 1 अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस 11 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 9 अपॉन 44. क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? अब इसको क्या करना है, कैंसिल आउट करना है. 11 फोर जा 44, 3 वन जा 3 और 3 थ्री जा 9. रिमेनिंग नंबर क्या बचे आपके पास, 3 अपॉन 4. बट 3 अपॉन 4 किसकी वैल्यू है, 1 अपॉन एक्स की. और आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स की. तो 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 अपॉन 4. तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 4 अपॉन 3. ये हो गया आपका आंसर. Is it visible? Whole board is visible? Yes, बताइए मुझे, पूरा board दिखाई दे रहा है? समझ में आ गया question कैसे किया? Is it clear? Yes, note down fast. जल्दी से note कर लीजिए copy में. Within a minute.
योर क्लास वर्क शुड बी कम्प्लीट इन अवर क्लास. जो भी मैं क्लास में क्वेश्चन करा रही हूँ यहाँ कंप्लीट हो जाने चाहिए. पेंडिंग नहीं करना है आपको वर्क. जो भी क्लास अटेंड करेंगे उनको क्लास में ही वर्क करना है. मैं पीडीएफ नहीं आपको प्रोवाइड करूंगी. जो न्यू कमर्स हैं या जो एब्सेंटीज हैं पीडीएफ केवल उन्हीं को मिलेगी. डोंट सिट फ्री एंड बी अटेंटिव इन क्लास. अब दिख रहा है बताइए. यस आफ्टर दिस नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 6. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर लीजिएगा. आफ्टर दिस नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 6. मे आई क्लीन द बोर्ड. Yes, question number 6. See question number 6. Question number 6. बहुत सिंपल है, सेम ऐसे ही है. Try to do yourself. Question number 6 is, by what number should minus 8 upon 15 be multiplied to get 24? माइनस 8 अपॉन 15 को किससे मल्टीप्लाई करें देन वी विल गेट 24. देन रिक्वायर्ड नंबर इज क्या होगा. लेट द रिक्वायर्ड नंबर क्लियर. किसको मल्टीप्लाई करना है. माइनस 8 अपॉन 15 multiplied by x equal to 24. This is the equation. ये आपकी equation है. अब ये जो x है already multiply में है तो अब आपको यहाँ पे जो पहले वाले question में यहाँ divide था तो हमने इसको multiply में change किया था but ये तो already multiply में है. अब कुछ नहीं करना, just separation करिए. Clear? तो x equal to क्या हो जाएगा. 24 divided by minus 8 upon 15. So x equal to 24 divided by minus 15 upon 8. और ये 8 1s are 8 3s are 24. So x की वैल्यू क्या हो गई. 15 मल्टीप्लाइड बाय 3. 15 3s are 45 एंड प्लस इनटू माइनस माइनस आंसर इज माइनस 45. इज इट क्लियर. समझ में आ गया सबको. प्रोसीजर सेम है, वही करना है आपको. मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड मल्टीप्लाई यही करना है. लेकिन आइडेंटिफाई करना है कि कहां पे हमको किसको यूज करना है, कहां मल्टीप्लाई होगा, कहां डिवाइड होगा. क्वेश्चन को पढ़ के समझिए.
यस आफ्टर दिस नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 9 हु हैव डन देन राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 9 एंड ट्राई टू डू योर सेल्फ स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से करिए क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट करिए May I clean the board? How many of you done question number 9? किस किस ने क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया जस्ट राइट इन योर चैट बॉक्स में लिए किस किस ने क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया No one. Very bad. Yes, Bhumika, done. Good. जल्दी से करिए. Who will explain the question number 9? Who will explain question number 9? कौन explain करेगा? Yes, first read the question. पहले read करना, फिर आप question समझाना, ठीक है? Yes, Sujal, unmute. The product of two rational number is -16/9 if one of the number is -4/3. फाइंड मैम दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर -16/9 आता है तो उनमें से एक -4/3 है तो दूसरा क्या होगा कैसे करेंगे मैम रिक्वायर मैम दूसरे नंबर को एक्स मान लेंगे देन देखो जब हमें प्रोडक्ट दे रखा है ना तो जब हमें प्रोडक्ट दे रखा है तो आपको क्या करना पड़ेगा जो भी गिवन नंबर है उससे आपको डिवाइड करना है किसको जो प्रोडक्ट दे रखा है तो -16/9 को आप डिवाइड कर देंगे -4/3 से तब आपके पास रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा आया समझ में लेकिन उससे पहले हमें स्टेटमेंट बनानी है और इक्वेशन बनानी है बनानी पड़ेगी फिर उधर ले जाएंगे सेपरेशन होगा समझ में आ गया ना सबको क्वेश्चन चलो स्टार्ट करो फिर स्टार्ट करो Let the question mention करने की जरूरत है क्या चलो जो भी given है पहले उसको mention कर देते हैं पूरा question note नहीं कर रही मैं only statement form में कर रही हूँ given क्या क्या दे रखा है आपको Product of
टू रेशनल नंबर. प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज गिवन. -16/9 and one number is -4/3. Then what is the other number? Other number is x. Let the number B X. ठीक है, required number is X. Your equation is -4/3 multiplied by X equal to -16/9. Then x equal to -16/9 divided by -4/3. Then x equal to -16/9 multiplied by -3/4. कैंसिल आउट करिए, 4 1 4 4 4 16 3 1 3 3 3 9. तो आपका आंसर आ गया 4/3. सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 4/3. Yes, done. Question number 7 or 8 बिल्कुल ऐसे ही है, आप लोग कर लेंगे. Yes, after this, note down question number 12. इसके बाद आपको question number 12 note करना है. And start doing it. Read the question and explain it. Those who have done the question number 9, read question number 12. Question number 12 को read करिए. और आप लोगों को ही समझाना है कि कैसे solve होगा question. Have you done the question number 9? कर लिया सबने question number 9? जल्दी से बताइए. May I clean the board?
मैं क्लीन द बोर्ड, बोर्ड क्लीन कर दे। यस भूमिका, यू वांट टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन? ओके फर्स्ट रीड द क्वेश्चन देन एक्सप्लेन इट। ओके अनम्यूट योरसेल्फ भूमिका। भूमिका देवांडा अनम्यूट योरसेल्फ। भूमिका यस भूमिका व्हाट हैपेंड? You want to explain now? So what happened? Unmute yourself. Unmute karo. Unmute karo. Ma'am, I'm unmute. Ma'am, can I tell? Ma'am, first I read the question. Then you will explain. Okay, ma'am. How many pieces each of length 3x3x4 meter can be cut from a rope of length 30 meter? Ma'am, पहले 3x3x4 meter को मैम improper में change करेंगे तो मैम 15x4 आएगा. Ma'am then 30 divided by 15x4 then 30. Ma'am a 15x4 को रेसिप्रोकल करके 4x15 आएगा तो मैम अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैम 15 × 15 = 15, 2 × 4 = 8 एंड नीचे मैम 8 आंसर आएगा। ओके गुड मैम 8 आंसर। और एक्सप्लेन good note down question number 12 in your copy and do yourself अपने आप करिए। समझाया ना भूमिका ने कैसे होगा क्वेश्चन करिए। योर क्वेश्चन इज हाउ मेनी पीसेस ईच ऑफ लेंथ 3x3/4 meter कैन बी कट फ्रॉम अ रोप ऑफ लेंथ 30 meter। 30 meter की एक रोप है उसमें से 3x3/4 meter के कितने पीसेस कट हो सकते हैं? दिस इज द क्वेश्चन। स्टार्ट डूइंग इट। क्या क्या दिया हुआ है आपको? टोटल लेंथ ऑफ रोप और उसमें से लेंथ ऑफ ईच पीस दिस इज गिवन। देन हाउ विल वी फाइंड द नंबर ऑफ पीसेस? 30 divided by 15/4। नंबर ऑफ पीसेस फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल लेंथ को डिवाइड कर दोगे एक पीस की लेंथ से। देन वी विल गेट द नंबर ऑफ पीसेस। कर रहे हैं आप लोग? आर्यन क्या बात है, समझ में नहीं आया? व्हाई यू लुकिंग हियर एंड देयर?
Yes, look here. जो कर रहे हैं जिनको आता है वो अपने आप करिए, जिनको नहीं आ रहा समझ में वो यहाँ देखिए। आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, टोटल लेंथ ऑफ रोप, मीटर। लेंथ ऑफ ईच पीस थ्री होल नंबर 3/4 मीटर। इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लीजिए, ठीक है। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, नंबर ऑफ पीसेस, टोटल लेंथ को डिवाइड कर दीजिए वन पीस की लेंथ से, 30/15/4। कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 ones are 15, 15 2s are 30 एंड 4 2s are 8 पीसेस। 8 pieces is the answer. Those who have done, then check your answer. जिसने भी अपने आप किए हैं एक बार चेक कर लीजिए। Have you done? Yes, कर लिया आप लोगों ने? Yes, now I am going to share my screen. Take screenshot. एक मिनट, यहाँ 6 का ही शो हो रहा है।
यस टुमारो आई विल प्रोवाइड यू पीडीएफ. ठीक है. Mark the question for homework. Question number 7, 8, 10, and 11. 7, 8, 10, and 11. ठीक है, ये आपका होमवर्क है. Yes, Sujal. Sujal, unmute yourself. What do you want to? Ma'am, 12 question को X मान के भी कर सकते हैं. X मान के क्यों? इसकी requirement ही नहीं है. इसमें तो direct divide करो. X मान के कैसे करोगे? Total length को divide कर देंगे. Each piece की length से इसमें X की requirement ही नहीं है. इसमें तो number of pieces पूछा है ना? तो इसमें x मान के नहीं करेंगे हम. डायरेक्ट डिवाइड करिए. ठीक है, इसमें अदर नंबर थोड़ी पूछा है आपसे, नंबर ऑफ पीसेस पूछा है. तो नंबर ऑफ पीसेस का एक ही रूल है कि जो भी टोटल लेंथ है उसको आप डिवाइड कर दीजिए ईच पीस की लेंथ से. ठीक है, x की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें. क्लियर? Yes, Bhumika. Unmute. M, can I tell question number 13? No, beta, 13. Do by own. क्योंकि सारे क्वेश्चन ही एक जैसे हैं. No, ma'am, can I tell? Okay. Ma'am, can I tell? Okay, ma'am. The cost of 1/2 meter of cloth is ₹78 3/4 the cost of cloth per meter. तो मैम पहले तो मैम इन दोनों क्वेश्चन को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे मिक्सड में, जो मैम ये दोनों नंबर है. उसके बाद मैम 315/4 / 5/2 = 315/4 × 2/5. तो द कॉस्ट ऑफ पर मीटर इज इक्वल टू 315 × 2/4 × 5 = 63/2. मैम देन इस दोनों को मिक्स्ड में चेंज कर देंगे, आएगा ₹31 1/2 आंसर. यस गुड. क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम ऐसे ही है. टोटल कॉस्ट को आप डिवाइड कर देंगे 5/2 से. ठीक है, इज इट क्लियर? एक्सरसाइज 4th F इज कंप्लीटेड. एक्सरसाइज 4th F आपकी कंप्लीट हो गई है. यस आई नो योर टाइम इज गोइंग टू ओवर. यस एनी रिलेटेड टू एक्सरसाइज 4th F अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको एक्सरसाइज 4th F से रिलेटेड, देन वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास. क्लियर? इज इट क्लियर? नो. यस यू वांट टू टेक ब्रेक, फर्स्ट गिव मी रिस्पॉन्स. आज जो भी हमने पढ़ा वो समझ में आया? यस मैम. यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, students, and complete your work. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am.
La 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 la. अब आप दूसरी मैम और भी अरे हेलो बाब la 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 ma ma la la re re